हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल द पीपल आउट देयर। आप लोगों को पता ही होगा द फेमस फेस्टिवल ऑफ पारादीप दैट इज विश्वकर्मा पूजा अभी स्टार्ट हो चुका है 16 सितंबर से। आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ घूमने के लिए। चलिए मैं आपको यहाँ का फेमस फेस्टिवल घुमाकर दिखाती हूँ। इस पंडाल को देखकर क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि ये किस थीम पे बेस्ड है? आप 30 सेकेंड तक सोचिए, मैं आपको 60 सेकेंड में बताती हूँ। ये रहा द फेमस बुर्ज खलीफा ऑफ दुबई एंड ये पंडाल बनाया गया था जगत सिंहपुर ट्रॉक ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा। चलिए अंदर का व्यू चेकआउट कर लेते हैं। इसका डिजाइन मोस्टली थर्मोकोल से बनाया गया था। ये वाला पंडाल बहुत ही क्राउडेड था दूसरे पंडाल्स के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डेकोरेशंस ऑफ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। मिडिल में भगवान विश्वकर्मा जी को बिठाया गया था एंड उसके सराउंडिंग डेकोरेशंस आप जो देख रहे हैं वो एक किंवदंती पे आधारित है। यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है हनुमान जी अलोंग विद बानर सेना मेकिंग द रॉक ब्रिज अप टू श्रीलंका, जिसमें एक एक पत्थर पे प्रभु श्री राम जी का नाम लिखा हुआ है। ये रहा मेराइन डिपार्टमेंट ऑफ पारादीप का पंडाल एंड इसके पंडाल ट्राइबल पीपल एंड जंगल थीम पे आधारित था। ये थीम पूरा हाथी मेरे साथी का फील दे रहा था एंड इन रियलिटी इट वॉज लुकिंग लाइक अ रियल बिग फैट एलिफेंट रोमिंग इन द जंगल। एंट्रेंस का वाइब पूरा केव जैसा था। डेटी डेकोरेशन में मिडल में विश्वकर्मा जी थे एंड उनके ऊपर हाथी कलर से पानी अर्पण कर रहा था विश्वकर्मा जी के सर के ऊपर। सराउंडिंग में पहाड़, बादल, पंछी, घोंसला, जंगल, बेहद सारे देव देवियां बना हुआ था। ये रहा जगन्नाथ ट्रॉक ओनर्स एसोसिएशन का पंडाल एंड इस पंडाल के बाहर का डेकोरेशन पूरा एंशिएंट टाइम के फेमस मंदिर जैसा था। आगे से सीढ़ियां बनी थी मंदिर के अंदर तक जाने के लिए। ये रहा द क्राउड ऑफ विश्वकर्मा फेस्टिवल एंड इसको देखने से आपको अंदाजा लग सकता है कि पारादीप का विश्वकर्मा कितनी फेमस है। इसके अंदर का डेकोरेशन में दशावतार को डिस्प्ले किया गया था एंड सेंटर में बने हुए थे विश्वकर्मा जी कैरिंग प्रभु जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा इन हिज हैंड। ये रहा उम्फा का पंडाल एंड ये पूरा हैंडमेड चीज़ों से डेकोरेट किया गया था एंड इनके कारीगर कलकत्ता से आए थे एंड टेराकोटा वर्क को डिस्प्ले किए थे थ्रू देयर डेकोरेशंस। बैम्बू के पतले पतले पीसेस से पूरा कवर किया गया था पंडाल को एंड टेराकोटा प्रोडक्ट्स लाइक डॉल्स प्लेइंग विथ ड्रम्स तबला एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से सजाया गया था। द रेड थीम ऑफ द पंडाल इज द एब्सोल्यूट ब्यूटी ऑफ द पंडाल एंड इट वॉज लुकिंग रियली आई कैचिंग। पंडाल के अंदर का डेकोरेशंस भी सेम बैम्बू पीसेस से एंड टेराकोटा प्रोडक्ट से बनाया गया था। वाइट कलर के विश्वकर्मा के आइडल बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। ये पंडाल है पारादीप ट्रॉक ओनर्स एसोसिएशन का एंड इसका थीम है ट्विन टावर ऑफ मलेशिया, जिसको एक साल पहले तोड़ दिया गया था। इसका बाहर का स्ट्रक्चर पूरा स्टील से बना हुआ है एंड एक्सीलेंट लाइट डेकोरेशंस की गई है। एंट्रेंस पर मिनी फाउंटेन शो भी हो रहा था। इसका अंदर का डेकोरेशन इज माय फेवरेट वन बिकॉज ये पूरा मिरर्स के पीसेस से बना हुआ था। सेंटर में विश्वकर्मा जी सिंहासन पर बैठे थे और उनके पीछे प्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी भी थे। ये पंडाल है पारादीप एरसमा इंडस्ट्रियल लेबर यूनियन का एंड इसका थीम टेंपल जैसा था एंड डेकोरेशंस किया गया था वेरियस शेप्स ऑफ बीड्स, सी सेल्स एंड काउरी शेल्स से। इसके अंदर का डेकोरेशंस भी बहुत सुंदर किया गया था। ऊपर सुंदर सुंदर सैंडलियर्स लगा हुआ था एंड विश्वकर्मा जी सेंटर में प्रेजेंट थे एंड उनके पास वेरियस गॉडेस भी थे। ये रहा डंपर ओनर्स एसोसिएशन का पेंडल एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंडल अमंग ऑल अदर पेंडल्स। इसका थीम था पीकक यानी मयूर का। बहुत ही डेलिकेट चीजों से ये डेकोरेट किया गया था लाइक थर्मोकोल, पेपर, बीड्स, सी सेल्स, काउरी शेल्स एंड आर्टिफिशियल ग्रासेस। अंदर का लाइटिंग पर्पलिश ब्लू था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। आर्टिफिशियल प्लास्टिक ग्रासेस से डेकोरेशंस किया गया था अंदर। सेंटर में विश्वकर्मा जी बनाए गए थे अलोंग विद जगन्नाथ बलभद्र एंड सुभद्रा एंड श्री क्षेत्र भी बनाया गया था एंड अदर डेटीज भी बने हुए थे इनमें। कुछ इस प्रकार पारादीप में प्रतियोगिता मूलक विश्वकर्मा पूजा कई सालों से चली आ रही है। इस साल हमारा विश्वकर्मा पूजा 16th ऑफ सितंबर को स्टार्ट हुआ है एंड ये अभी 22 ऑफ सितंबर तक चलेगा।
एंड ये था मेरा पार्ट वन ऑफ विश्वकर्मा पूजा व्लॉग. अभी सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.